भी छठ पूजा, इन्होंने पी लिया जूस, अब इनकी चाय कैंसिल। सर बार बार कह रहे हैं मैडम की जिद है, मैडम की जिद है। और ये देखो, समझ गए ना आप? आज हम सूर्यवंशी देखकर आएंगे। सूर्यवंशी देखने के बाद, थिएटर से निकलने के बाद आपको बताएंगे कि फिल्म कैसी लगी। कैसी लगी? जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना, ऐसे कोरोना लुप्त हो जाए ना, तब जाके सारा कुछ बैलेंस में आएगा। जैसे मैं, हमने प्रॉमिस किया था मैडम रेटिंग देंगी 5 में से, तो शाम को जाके क्लियर, शाम को चर्चा करेंगे इस पर, ठीक है? ढाई घंटे की पिक्चर थी, पिक्चर बहुत अच्छी थी। मेरे हिसाब से पिक्चर की रेटिंग 4 है, सर के हिसाब से पिक्चर की रेटिंग 3.5। फिल्म में जो टॉपिक उठाया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, देश से जुड़ा हुआ है, तो सारी सी बात सब लोग पिक्चर से हम जुड़े रहे, हर लोग अपने आप को अटैच कर पा रहे हैं। और खासकर जो महाराष्ट्र और मुंबई के लोग होंगे ना, वो तो इस मूवी से बहुत अपने आप को अटैच कर पाएंगे। उसके अलावा अगर सारे एक्टरों को रेटिंग दी जाए तो सबसे बेस्ट रणवीर सिंह, व्हाट अ कॉमिक टाइमिंग, एक्शन टाइमिंग, बॉडी लैंग्वेज, एंट्री सबकी बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट अजय देवगन हमें इतने पसंद नहीं है, लेकिन इस मूवी में अजय देवगन भी बहुत अच्छे लगे। कैटरीना कैफ का समझ में नहीं आया, वो क्यों आएंगे मूवी में, उनको तो निकाल के कोई सस्ती हीरोइन ले लेते तो अभी पिक्चर खूब चलती। बात तो ये थी सारी की सारी कि इतनी बड़ी हीरोइन, मतलब जैसे कहते हैं कि नारी के लिए तो अब कुछ सब कुछ संभव है, उसमें बिल्कुल अकल नहीं दिखाई। मतलब उनमें एज ए पुलिस ऑफिसर की वाइफ होने के बावजूद देशभक्ति नहीं दिखाई, सबसे नेगेटिव पॉइंट यही था पूरी फिल्म में कैटरीना को पसंद नहीं करने का। मातृतत्व को उसमें ज्यादा आगे रखा है, जबकि मातृतत्व के आगे भी भाई एक देशभक्ति वाली चीज होती है, उसके आगे तो सब जो है पीछे है। लेकिन जो एंड की जो आधे घंटे की लड़ाई है ना, उसमें सारे ही एक्शन सीन जबरदस्त थे, लेकिन यही बोरिंग टाइम था क्योंकि एंड जो था फिल्म का बहुत लंबा कर दिया, बहुत लंबा कर दिया। गोलियां चली हैं 20 मिनट तक, तो 20 मिनट तक और कुछ नहीं सुनाई दिया, एक डायलॉग कानों पे तरस आ रहा था। बीच बीच में बस उनकी तीनों एक्टर्स की जो है कॉमेडी ने थोड़ा रंग डाल दिया, अगर उनकी कॉमेडी नहीं होती फाइटिंग में, गोलियां सुनते हर 5-6 मिनट बाद तीनों की एक लाइन आती थी, वो एक लाइन ही दम मार जाती थी। गौर चिली फिल्म की स्टोरी तब दमदार बन जाती है जब उस पर रियल इवेंट्स जोड़ दिए जाते हैं, तो वो एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है, घटनाओं को जब जोड़ा है तो रियलिटी उसमें नजर आ रही है, इसलिए आदमी को जुड़ा उससे। जो ब्लास्ट जो इसमें बस वाला ब्लास्ट दिखाया है वही संजू मूवी में दिखाया है, जहाँ संजय दत्त फंसे थे, वही सब जोड़ के उन्होंने उनको बनाया है। लेकिन कुल मिला के मूवी पैसा वसूल, एंटरटेनिंग, टाइम आपका बर्बाद नहीं होता अगर आप ढाई घंटे मूवी को देखते हैं अपना काम छोड़ के, तो बहुत अच्छी मूवी लगेगी आप लोगों को। चलोगे? मैं तो साइकिल से जाऊंगा। दीदी लेट कर रही है ना, मैं तो मम्मी साइकिल से जाऊंगा। मम्मी ने सही है, मुझे स्कूटी पे ज्यादा स्पेस मिलेगा। अच्छा ठीक है मम्मी, चलें जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं, फिर जल्दी करो, फिर खाना पीना आके पढ़ना है, खाना पीना आके पढ़ना है, खाना पीना को पढ़ना है आके। ये जने क्या बोलता है, मास्क ही नहीं, मंदिर तो खुला ही रहेगा। चल जैसा कि हमारा वादा था कि 8:30 या 9 हमें चप्पल लेने जाना है, और 8:30 बज गए, हमने बच्चों को खाना खिला दिया, सर को भी खाना खिला दिया। ये देखो इसने नहीं खाया है, किधर गई? मैं मम्मी के साथ खाऊंगी, मम्मी ने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं, लेकिन प्लान कुछ और है। अब वो मम्मी का, मैंने कुछ नहीं कहा, यूँ कह रही है कि अब हम जा रहे हैं बिना खाना खाए, अब क्या हम आके खाना खाएंगे, अब पता नहीं है क्या खिलाएंगे, मैंने तो कुछ नहीं कहा कि मेरे को ये खाना वो खाना है, वरना मैं कभी कहती। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं अब भी काम बनता है नहीं बनता, लेकिन घर के पास ही है इसलिए जा सकते हैं, दूर होता तो नहीं जाते। चलो फिर हम जाएं, ठीक है।
कौन सा ये भी है इन चॉइस ही क्या है ये एक ही तो दिखाया है छोटा है देखिए वाला अच्छा लग रहा है ना ब्राउन आगे पॉइंट वाला ये ब्लैक ये भी अच्छा छोटा है भैया नहीं है की अपनी वो है बेटा ट्रिक अब देखो आ गया फिर अभी ज्यादा बड़ा पैर भी नहीं होगा फिर अभी लूज होगा है अभी हल्का सा ये अंगूठा जो ना ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर आ गया देखो ये अच्छा लग रहा है बेटा देख बेटा ये मजबूत भी है ये लूज है भैया इसके पैर पे किधर से दोनों पहन लेंगे वो एक पैर की टाइट होती है एक पैर की लूज होती है यही लेनी पड़ेगी ये सच में बहुत स्टैंडर्ड है ना एक शेड देखना शेड अच्छी लग रही है यही पता हर एक कलर पे आजकल फैशन है इस कलर का बहुत ये मैं बना रही हूँ कॉफ़ी सर और प्रेरित के लिए सर को अब आदत पड़ गई है डेली रात को कॉफ़ी पीने की और हम अभी आए हैं थोड़ी देर पहले 10 बज रहे हैं 10:45 हम घर पर आए थे और खाने का सिस्टम सब कुछ गड़बड़ हो गया हम लोग सोच रहे थे बाहर कुछ खाए आएंगे लेकिन लेट हो रहे थे तो फिर हम घर आए क्योंकि 10:45 टाइम ज़्यादा हो गया तो अब देखते हैं घर पर ही कुछ दूध ब्रेड खा लेंगे क्योंकि अब मैं खाना तो नहीं बनाने वाली और वहाँ से लौटने के बाद कम से कम इन्होंने दसियों रीटेक ले लिए लेकिन गुड नाइट नहीं बोल पाए बेटी ने ट्राई किया मम्मी ने ट्राई किया अब लास्ट में आगे तो मुझे कहना ही पड़ रहा है कि भाई आज हम शायद गुड नाइट सही तरह से नहीं बोल पा रहे क्योंकि इनकी दिमाग पर प्रेशर है वीडियो एडिट करने का क्योंकि सोने से पहले हम इस पर काम करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि आपको ब्लॉग कल का कितना बड़ा लेंथ मिलेगा अगर ज़्यादा हुआ तो दो पार्ट में हम कर सकते हैं फिलहाल जो खास बात है आपको बताने की वो यही कि शॉपिंग के चक्कर में मैडम खाना नहीं खा पाई हैं बेटी ने भी खाना नहीं खाया और ये शायद आज दूध ब्रेड खा के सोएंगी बेटी भी दूध ब्रेड खा के सोएगी क्योंकि ये तो गई थी सोच के कि हम बाहर मार्केट में जा रहे हैं तो शॉपिंग भी कराएंगे खा पी भी आएंगे लेकिन एक दुकान पर इतना टाइम लग गया कि लौट के आने तक मार्केट में फिर इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला फिलहाल ये पी रहा है कॉफ़ी मैंने तो पी ली है तो दोस्तों अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हम आपसे मिलेंगे कल फिर से अपने नए ब्लॉग में तब तक लिए बाय बाय गुड नाइट हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि 10 बज जाएंगे और 10 बज गए तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था क्या बोलूं मैं राम राम जी कैसे आप सभी कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कॉफी लो मैंने कहा जा रही हूँ बिना देखे मैं बोले जा रही हूँ तो अब बज रहे हैं रात के 10 मैं और मम्मी फाइनली आ गए कहिए मेरे को क्या देखनी है ये वाली लाई है स्कूल जाने से पहले हाँ तो मैं अब ये नहीं बोलूंगी तो अब बज गए तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो तब तक के लिए हम सबकी तरफ से आपके लिए गुड नाइट ये क्या नया आया हम सबकी तरफ से आपके लिए गुड नाइट फूल तो ये काम हो गया और बस हो गया आज के ब्लॉग को हम यहीं खत्म करते हैं और आपको क्यों कर रहे हो नहीं खत्म करना पड़ेगा ना कल नया लेके आना है तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं ऐड करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा हमको शूट नहीं करेंगे क्योंकि आगे और भी काम करने हैं बहुत सीरियस ना अब हम आ गए हैं और प्रेरित के लिए सुसल दे के आए हैं और आगे हम शूट नहीं करेंगे हे भगवान सही लग रही ये रही पापा की गरम बनियान है यही होगी लो इतनी भी गरम नहीं है आपका ये चैलेंज है कैसे बोलो सर पर मैक्सी रखे तो फ्रेंड्स देखिए ये जो मेरी मैक्सी है ये सर पे रखने का मुझे चैलेंज मिला है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया और अगर आपने ये ब्लॉग पूरा देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ब्लॉग को एंड करने के लिए देखिए सर रेडी हो रहे थे लेकिन मैंने उससे पहले ब्लॉग एंड कर दिया तो अब हम आपसे कल मिलेंगे अपने नए ब्लॉग में कल सुबह तब तक के लिए गुड नाइट बाय गुड नाइट
गुड नाइट।